Hello, assalamu alaikum, and welcome to another online session of Engineering Physics. Previously, we have discussed some definitions of electricity, amperes, capacitance, etc. Now, in today's lecture, we will be discussing the electric charges, how electric charges produces, and how electric field lines approaches from one charge to another charge. इसमें इंशाल्लाह हम ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. हमारे पास दो तरह के चार्जेस डेवलप होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और एक होते हैं नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, द पॉजिटिव चार्जेस विच एक्चुअली प्रोड्यूस फ्रॉम द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव प्रोड्यूस ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और हमेशा ये होता है आपको, बिकॉज आपने काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो FSE में पढ़ी हैं, बट हेयर हम उसको जो है ना कम्पैक्ट फॉर्म में बताएंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा चीज़ों को देखेंगे. इसमें यह है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से जो है ना वो जो फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं. ठीक है, फील्ड लाइंस क्या होती हैं? फील्ड लाइंस बेसिकली हमारे पास एक ऐसी, यू कैन से दैट, एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा सरकमफ्रेंस है, एक ऐसी कुवत है जिसके तहत वो जो 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 हमारे पास चार्जेस होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास है कुछ कंडीशंस गिवन है, ए बी सी. ठीक है, अगर आपको नजर आ रही है तो ए कंडीशन है जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, एक है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू. ये जो है, ये दोनों चार्जेस जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो पॉजिटिव से जो है वो हमारे पास फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो एरो जो होगा वो पॉजिटिव से निकलेगा ऐसे करके, और नेगेटिव से वो नेगेटिव की तरफ इंसर्ट होगा. ठीक है, जैसे ये हमारे पास निकल रही हैं और वो नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रही हैं, एक ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट फील्ड लाइंस जो होती हैं ये हमारे पास 12 हो रही हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास ई जो है वो प्लस क्यू है, ई यहाँ पे माइनस क्यू है, और ई नेट जो है वो यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है. यानी कि आप, वो कहने का मतलब क्या है कि वो इफेक्ट कैसे बन रहा होगा यहाँ पे, कि जब आप इसको ऐसे लेके जाएंगे, आप टेंजेंट इसके ऊपर हल्का सा लाइट से टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट एक्चुअली जो होगा वो ई नेट होता है ना आपका, बिकॉज अभी तो कुवत है ना इस तरह, जैसे आप एक रोप होती है उसको आप सर्कल में घुमा रहे होते हैं, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो बेसिकली आउटसाइड, उसका इनर तो उसकी वो होती है ना एक्सेलरेशन होती है. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसकी अट्रैक्शन होती है वो, लेकिन वहाँ हमारे पास जो उसका टेंजेंट बन रहा होता है वो अट्रैक्शन होती है कि अगर आप उसको छोड़ें तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा. तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है कि ई क्यू जो है इस तरह, ई नेगेटिव क्यू जो है वो ऐसे, और ई नेट हमारे पास जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो ऐसे है, इस तरह प्रोड्यूस हो रहा होगा. ठीक है, ई इज बेसिकली सिंबल फॉर एक्सप्लेनिंग द फील्ड लाइंस. ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस टू क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है. यहाँ प्लस टू क्यू जो है इसकी कैपेसिटी ज्यादा है कि ये ज्यादा ज्यादा फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट करेगा. ठीक है, तो ज्यादा ओरिजिनेट करेगा अपने ओरिजिन से. तो देखें इधर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कम है, बिकॉज इसकी कुवत कम है, तो ये जोर से कट करने की कोशिश करेगा इस चार्ज को. ठीक है, इसी तरीके से अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो वो उनकी फील्ड लाइंस इस तरह मूव करेंगे, तो ओरिजिनल दरमियान में हमारे पास एक जीरो इफेक्ट रीजन प्रोड्यूस होगा, जो कोई ये बेसिकली अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा दूसरे को. ठीक हो गई बात, तो ये हमारे पास एक हल्का सा कंसेप्ट है. इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इंसुलेटर और इंसुलेटर कनेक्टर्स क्या होते हैं, कूलम्स लॉ, ये सारी सारी चीजें आज जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक चार्ज बनता कैसे है, वही प्रीवियस फिनोमेना है कि भाई रबिंग के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है, एक तरफ से वो इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, दूसरी तरफ से वो गेन होते हैं. द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से इसको जाना गया. आफ्टर बीइंग रब्ड ऑन अ पीस ऑफ फर, एन अम्बर रोड एक्वायर्स अ चार्ज एंड अट्रैक्ट सम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब वो आपने थोड़ी देर उसको रब किया है और उसके बाद आपने उसको उसकी तरफ लेके गए हैं, तो वो जो चार्ज होंगे वो अपोजिटली उसके ऊपर आ चुके होंगे. एक जो होगा रब होगा, कोई भी फेस होता है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो वो अनलाइक चार्जेस डेवलप होंगे जिस वजह से वो अट्रैक्ट करना शुरू करेगा. जैसे कि आप, अगर आप हमने कॉम यूज करते हैं अपने एयर में, तो उसमें भी हमारे पास जो होते हैं वो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, एक तरफ से पॉजिटिव अट्रैक्ट, एक तरफ से पॉजिटिव बन रहा होता है, दूसरी बॉडी पे वो नेगेटिव बन रहा होता है. ठीक है, तो वो उसमें इसलिए फ्लो की वजह से हल्के हल्के जो है ना वो नॉइज प्रोड्यूस हो रही होती है स्टैटिक चार्जेस. ठीक है, इस तरह ये हमारे पास चार्जिंग बोथ एम्बर एंड ग्लास रोड शोज देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जैसे कि ये मेरे पास, तो वो उसमें डेवलपिंग इस तरह की होगी, तो वो बता रहा है कि अनलाइक और लाइक चार्जेस का फिनोमेना क्या डेवलप होगा. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव एग्जैक्टली द सेम चार्ज, द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इन द एटॉमिक न्यूक्लियस हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट द ऑपोजिट साइन.
ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो मेरे पास जो साइन होता है वो बेसिकली नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसका भी हमारे पास जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन कहने का मतलब ये, वो कहता है कि ये दोनों के ऊपर सेम इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस सॉरी कूलम्स जो है ना इसके सेम है इलेक्ट्रिक चार्जेस के, और वैल्यूज भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस आएगा इन द साइन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम वही आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, ये वही प्रोनो फिनोमेना है। अब वही है कि एक तरफ से आप करेंगे तो वो आपके पॉजिटिव चार्जेस होंगे, एक तरफ से आप नेगेटिव चार्जेस होंगे तो 12 हो जाएंगे, और वो उसके बाद जो है वो आप अपन कोई भी उसकी मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है, वी फाइंड दैट द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज अ कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्वड। जी के जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे अपनी बॉडी पे, तो इसलिए कंजर्वेशन जो होती है वो रह जाती है। पॉजिटिव पॉजिटिव आयन क्या होगा जो कि लॉस्ट कर लेगा, और उसको पॉजिटिव आयन भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो गेन करेगा उसको नेगेटिव चार्ज कहा जाता है, और वो नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, जिस तरह ये है हमारे पास, some materials can become polarized, this means that their atoms rotate in a response to external charge, this is how a charged object can attract a neutral one। वो ये कहता है कि इसको basically induction का phenomenon कहलाता है। ठीक है, अब आप कोई भी body होती है, जैसे metals होते हैं usually, metals they connect, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक जो body है जिस तरह ये rod है, इसको आपने positive charge कर दिया हुआ है, ठीक है, तो by nature by law अगर तो वो उस body में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है जैसे मेटल्स में मूवमेंट होती है, तो वो अपने क्या करते हैं दूसरे को लॉस और गेन करा के, तो वो इस तरह एक चार्जेस डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर ही, तो ऑटोमेटिकली वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली इंडक्शन के फिनोमेना से होता है, खुद ब खुद पोलराइज हो जाता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ये कैपेसिटी होती है कुछ मटेरियल्स की। ठीक है, अ कनेक्टर, वही बात इसलिए कनेक्ट शुरू की उसने, क्योंकि कनेक्टर में बताने लगा, मेटल हुज इलेक्ट्रो कनेक्टर आर फ्री टू मूव थ्रू आउट, मोस्ट मेटल्स आर कनेक्टर्स। ठीक है, उनके कनेक्टर्स जो होते हैं वो फ्री टू मूव करते हैं कहीं भी। ठीक है, और इंसुलेटर जो होता है वो उसके एटम्स के अंदर मूव नहीं करते, उनको हम इन नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है मेरे पास, इफ द कनेक्टर कैरीज एक्सेस चार्ज दैट एक्सेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कनेक्टर। ठीक है, अब जैसे कि ये है मेरे पास, आपने इसके साथ लगाया इस रॉड को, तो आपका ये चार्ज इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और कनेक्टर की कैपेसिटी क्या होती है कि वो अपने पूरी सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने सारे चार्जेस को, तो दिस इज कनेक्टर बेसिकली। सेमी कंडक्टर्स हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन कनेक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, देयर प्रॉपर्टीज चेंज द केमिकल कंपोजिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेमी कंडक्टर मटेरियल्स जो डेवलप होते हैं उनमें बहुत कैपेसिटी होती है, मेटालिक भी और नॉन मेटालिक भी, ठीक है, जिनको समटाइम्स मेटलॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो फोटोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिकम कनेक्टर्स व्हेन लाइट शाइन्स ऑन देम। ठीक है, वो लाइट अगर शाइन करेगी उसके ऊपर तो वो क्या करते हैं, वो कनेक्टर बन जाते हैं। जैसे कि इसमें हम यूज करते हैं मटेरियल्स यूज करते हैं अपने सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये इसमें भी लाइट आएगी तो वो चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, और वो मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की बाद में। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या है जी, कूलम्स लॉ गिव द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्स बताता है बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, k इज द कांस्टेंट। ठीक है, 8.9 न्यूटन टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर का जो होता है वो जो है ना हमारे पास इसका यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स है। अगर आपके पास दो चार्जेस हो Q1 और Q2 डिफरेंट, उनकी 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 वैल्यू डिफरेंट हो, तो आप उनके दरमियान फोर्सेस निकाल सकते हैं कि वो किसने जोर से वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। The force is along the line connected to the charges and is attracted if the charges are opposite and repulsive if the charges are like. ठीक है, तो उसने बताया कि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ खींचने की कुवत होगी इसमें, इसमें रिपेल करने की भी कुवत होगी। ठीक है, ओके, जैसे ये है मेरे पास, द फोर्सेस ऑन द टू चार्जेस आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। देखिए, ये है मेरे पास F12 जो है F21, ये दोनों क्या करेंगे, लाइक है तो ये इस तरह होगा, लाइक अनलाइक इस तरह होगा। ठीक है जी, अब जैसे ये इफ दे आर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस द फोर्सेस एड बाय सुपरपोजिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ये देखें, मेरे पास ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इसका जो देखें प्लस से निकलता है ना हमेशा, तो एक ये फोर्स होगी, इसकी इस तरह फोर्स होगी और उसकी इस तरह फोर्स होगी। ठीक है ना, मुख्तलिफ उसने वहां से निकाले में, तो थ्री, अब ये फोर्सेस जो हमारे पास तीन आ गए, अब इसने आपने इसको किस रूल के तहत लगाना है, आपने इसको हेड टू टेल रूल के तहत लगाना है। ये F1, ये F14, F13, F12, ये आपस में लगा के तो क्या करना है आपने, इस तरह ये इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। तो F1 इज बेसिकली द रिजल्टेंट। ठीक है, इन सारों को आपने लगा देना ना, ऐसे उठा के इसको यहाँ पे लगा दें, इसको उठा के इधर लगा दें, तो आपका सारा का सारा जो है वो
पैरेलल, इसी तरह के पैरेलल आपने अटैच करते जाना ना, तो ये एफ वन जो होगा ये इसका नेट इफेक्ट होगा जो इन सारे चार्जेस का ना, यानी कि यूं समझ लो कि क्यू वन जो है वो इधर भागेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमने इस तरह इसको निकाल लिया, ठीक है। कूलम लॉ इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स बट इट इज आल्सो वैलिड फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ये बाद में आएगा। स्फेरिकल इज लाइक अ काइंड ऑफ अ बॉल, ठीक है। तो वो कहता है कि पॉइंट चार्जेस होते हैं लेकिन ये उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती हैं उस पर डिपेंड करता है, एज द एज लॉन्ग एज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये आगे आएगा भी आपको, अभी इसको दोबारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, पहले हम फोर्सेज निकालनी है, फोर्सेज निकालने के बाद आपने इसको फील्ड निकालनी है। E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, इट सर्व्स टू अलाउ दैट इलेक्ट्रिक फोर्स टू बी मेजर्ड बट इट इज नॉट अ लार्ज एनफ टू क्रिएट अ सिग्निफिकेंट फोर्स ऑन एनी अदर चार्जेस, ठीक है जी। तो जो टेस्ट चार्ज होता है उसके लिए आपने जो भी आपने टेस्ट स्पेसिमेन रखा हुआ है वो चार्ज आप वो उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फोर्स जो उसकी फोर्स है वो यहाँ पे रखेंगे, तो वो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। बात आ रही है समझ के नहीं आ रही, ठीक है। यानी कि जैसे ये है मेरे पास, देखें इफ वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी चार्ज, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द चार्ज, यानी कि ई की आप ई की डायरेक्शन ये है मेरे पास, फोर्स आप जो है वो निकाल सकते हैं इसके तहत, ये देखिए ये फोर्स निकलेगी, ठीक है। क्यू की वैल्यू होगी आपके पास, ये लिखिए क्यू की वैल्यू, सॉरी ये क्यू की वैल्यू लिखी हुई है इसके अंदर, तो आपने जो है ना वो सिंपली उसकी वैल्यू निकालनी है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द साइन ऑफ द चार्ज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में अगर आपने कोई चार्ज रख दिया तो उसी फील्ड लाइन की डायरेक्शन में वो मूव करेगा, उसको पॉजिटिव कहलाएंगे। इसके ऑपोजिट जा रहा है तो दिस इज नेगेटिव, ये है ना एक्चुअल फील्ड लाइंस, ये पर्पल आपको नजर आ रही होंगी, जो पिंक वाली हैं दिस इज द फोर्स इफेक्ट, बिकॉज आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया ना तो वो क्या करेगा, इसके बिल्कुल डायरेक्शन ऑपोजिट में जाएगा। बात आ गई समझ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज पॉइंट्स रेडियली अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव वन, दिस इज ये है मेरे पास, अब ये आपने इधर रख दिया है, ये इधर से रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव कर रही होंगी, अवे 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 जा रही होंगी, ठीक है ठीक है। जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी सुपरपोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन एज वेल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, ये पी है ये क्यू एंड क्यू है, अब ये पी ये जो, अगर पी जो है लाइक पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पी इज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये इसको इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह ओरिजिनेट करेंगी, और ये पॉजिटिव चार्ज को इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा तो ये ई टू जो है वो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ई नेट जो होगा वो ये इसकी एक्चुअल मूवमेंट होगी, यानी कि ये इधर भी नहीं जा सकेगा इधर भी नहीं जा सकेगा, बिकॉज दो इफेक्ट है ना, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी, तो इसने नेट इफेक्ट कहाँ मारना है, इधर जाना, तो ये इस तरह आपने चेक करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कन्वीनियंट वे ऑफ विजुलाइजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field lines point in the direction of the field vector at every point start at positive charges or infinity are more dense where the field is stronger, theek hai ye baat pehle discuss ho chuki hai, ye away aa jayenge ye iski taraf aayega, theek hai, to ye hamare paas effect hai, ye hum pehle discuss kar chuke hain, bas iske mein humne ab nayi cheez koi nahi dekhni, ye electric field lines are positive and negative charge, do plates padhi hui hain, theek hai, to ye is tarah originate karenge to electric field lines se honge, theek hai ji। Shielding and charge by induction, जी जनाब, since excess charge on a conductor is free to move, the charges will move so that they are as far apart as possible. This means excess charge on the conductor resides in the surface. कहने का मतलब क्या है कि जब भी metal में आप इस तरह की metal रख दें तो उसमें free electrons होते हैं, वो move करना शुरू करेंगे, बाहर की तरफ भागना शुरू करेंगे, एक दूसरे से away होना शुरू करेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी charge produce होगा वो आपस में एक दूसरे को repel करेगा और सारे outside the boundary शिफ्ट कर जाएंगे, आउटसाइड बाउंड्री कह रहा हूँ, ऑन द बाउंड्री शिफ्ट कर जाएंगे, आउटसाइड द बाउंड्री नहीं, ऑन द बाउंड्री शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये है व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन एक्स कंडक्टर इज जीरो, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका चार्ज रुका हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर इज जीरो, उसके अंदर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है इसके बाउंड्री पे और ये इधर नेगेटिव चार्ज है, सही है, तो इधर इस जगह पे हमारे पास E जो होगा वो जीरो होगा, इस जगह पे E जो होगा वो जीरो होगा, नहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इधर जीरो होंगी, ये बाहर निकल रही होंगी, ऐसे पॉजिटिव से बाहर निकलती है ना, तो इधर जो होगा वो हमारे पास जीरो इफेक्ट होगा, इधर कोई भी इफेक्ट नहीं है, इज टू जीरो विद इन द कनेक्टर, ये कनेक्टर है मेरे पास, ठीक है, ये नजर आ रहा है कनेक्टर,
ये कनेक्टर है मेरे पास, ये इस वक्त इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होंगी, इसके बाहर ओरिजिनेट हो रही होंगी, ठीक होगी बात, सही है। अच्छा अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इफ इट वॉरंट द चार्जेस वुड मूव अलोंग द सरफेस, ठीक है। वो कहता है या तो वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगे, अगर नहीं है तो वो अलोंग द सरफेस मूव करेगा, ठीक है, अलोंग द सरफेस, एज अलोंग द सरफेस मूव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉगर व्हेन द सरफेस इज मोर शार्पली कर्व्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपका इरेगुलर सरफेस है कोई, उसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, तो चार्जेस ज्यादा रिजाइड करते हैं, ऑटोमेटिकली ज्यादा रिजाइड करते हैं ऑन द शार्प एजेस या शार्प कॉर्नर, उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा रिजाइड करेंगे वो, ठीक है ना, उधर ज्यादा होंगे, उधर से मैक्सिमम फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, बात आ रही है समझ। तो इसलिए बॉडी जो होती है, कनेक्टर होती है, कनेक्टर होता है, उसको सर्कुलर शेप किया जाता है ताकि उसमें एक प्रॉपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। अगर इरेगुलर शेप होगी तो ये कहीं भी रिजाइड होकर जाएंगे मैक्सिमम, जैसे कि आपने देखा होगा अगर बेंड हुई भी होती है अक्सर वायर, तो उसके उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा चार्जेस रिजाइड कर रहे होते हैं हमेशा, उधर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, जो कि बाद में जाके जो शॉर्ट सर्किटिंग का बायस बनता है, ठीक है जी। अ कनेक्टर कैन बी चार्ज बाय इंडक्शन इफ देयर इज नो वे ग्राउंडेड, ठीक है। वो कहता है चार्ज बाय कनेक्शन होता है, अगर उसको ग्राउंड कर दिया तो वहां से मूव करना शुरू कर देंगे और वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जनाब अब ये है मेरे पास, ये हमने फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको कहते हैं, ये इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। अब आपकी परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो होगा ना, वो बेसिकली मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये मेरे पास, ये देखिए मैंने आपको, ये मेरे पास शीट थी, इसको मैंने शीट को टेढ़ा कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पास कर रही है। अब इस शीट के जो परपेंडिकुलर है वो है ई कॉस ऑफ थीटा, जो इसका इस ई का कंपोनेंट बन रहा होगा, ठीक है, एंगल के साथ है ना ये बिकॉज ये एंगल में पड़ी हुई शीट, तो इसका भी कोई एंगल बन रहा होगा, तो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो दिस इज फ्लक्स इज ए कॉज ऑफ थीटा। इस तरीके से गॉस लॉ क्या कहता है, स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इन्क्लोज्ड बाय द सरफेस। एक क्लोज सरफेस है आपके पास, ठीक है, अब मतलब कोई कहीं से कोई कट नहीं है, क्लोज सरफेस है, उसमें आपने एक चार्ज रख दिया हुआ है, तो वो कहता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, फ्लक्स जो परपेंडिकुलर है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, तो इस प्रोपोर्शन टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, यानी कि जितना चार्ज अंदर आपने रखा हुआ है ना, उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो ये गॉसला है, बात आ रही समझ। वो क्या होता है, क्यू ओवर ई नॉट, ई नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई के, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है ना कैपेसिटी होती है बॉडी की, ई नॉट, ठीक है, कि वो उसमें से कितने फील्ड लाइंस जो होंगी वो ओरिजिनेट करेंगी। ई नॉट इज लाइक गॉसेस लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिस्टम विद सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस, आप सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकाल सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्यू पड़ा हुआ है। ये R2 बेसिकली ये लाइंस बनी हुई है ना, क्यू है, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि बेसिकली कनेक्टर में से कैसे है वो, ठीक है। ये ब्लू लाइन में नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, कनेक्टर है मेरे पास, ये उसकी आउटर सरफेस है, और ये एक RB है, ये एक RA है, RB इज लाइक बाउंड्री, ये अंदर की तरफ से जो A है, और R1 इसका जो इनर सरफेस है, R1 R2 R3, ठीक है, मुख्तलिफ रेडियस दिए हैं, ठीक है। और ये देखें, ये हमारे पास इस तरह हमारे पास फील्ड लाइंस जो है ना वो मूव कर रही है, ओके जी। ये हमारे पास इसमें देखें फ्लक्स बन रहा है, तो बहरहाल कहने का मकसद यह है, अप टू दीज गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आप लोगों ने सारा डिस्कस करना है और पढ़ना है आपने, किसके अंदर, अपने चैप्टर जो आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ, तो एक टॉपिक्स है मुख्तलिफ, ये ऐसा करके मैं कवर करता रहूंगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।